students, today we will study about the adaptation in plants. This is lesson 6 of GK. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि adaptation क्या है और ये क्यों होते हैं और किस में होते हैं. ये एक प्रक्रिया है जो सारे सजीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट पे सर्वाइव, हैबिटेट में सर्वाइव कर सके. जैसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे पोलर बियर का अडेप्टेशन है कि उसके फर बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वो धूपे रहता है. जितने भी ध्रुवीय जानवर हैं उनमें और पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं. ऐसे ही छोटे छोटे या बड़े एडेप्टेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और हैबिटेट. इन दिस लेसन देयर आर सम डिस्क्रिप्शन और एडेप्टेशन गिवेन. यू हैव टू टेल दैट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. So we will go to the first adaptation, which says that roots that grow from the lower knots of plant like sugarcane are referred to as prop roots. Eek या गन्ने, ये जो नीचे का जो तना होता है उसके निचले हिस्से से जो रूट्स निकलती हैं उनको क्रॉप रूट्स कहते हैं. आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि गन्ने में क्रॉप रूट्स होते हैं और ये क्रॉप रूट्स का काम होता है कि जो स्टीम्स हैं उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करना. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ सेकेंड, the sundri trees of the sundarban contains nematophoras which grow upward from the root system to absorb oxygen from the air. jo sundri trees hain, sundri trees sundarban mein paayi jaati hai, sundarban delta mein paayi jaati hai. inme nematophoras paaye jaate hain jo ki zameen se upar ud jaate hain, grow kar jaate hain, jabki ye नेचुरल नहीं है. रूट्स जो है वो जमीन के अंदर जाते हैं लेकिन ये अपोजिट साइड में ग्रो कर जाते हैं. क्यों ग्रो कर जाते हैं? क्योंकि ये दलदल के ऊपर आकर के और वायुमंडल से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले सके, जिसकी कमी पाई जाती है दलदली क्षेत्रों में. ये स्टेटमेंट सही है. सो वी विल राइट सेकेंड ट्रू. थर्ड इज इंटेंसिव रूट्स ऑफ द ग्रास इन प्रेरीज अब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्रिवेंट द कैटल फ्रॉम पुलिंग देम आउट वाइल ग्रीजिंग. प्रेरीज एक मशहूर घास का मैदान है. यहाँ की ग्रास की विशेषता है क्योंकि यहाँ जानवर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं तो यहाँ की घासों ने, यहाँ की ग्रास ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. ये नीचे से इनके जो रूट्स होते हैं वो पृथ्वी से, जमीन से ये पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करके ये क्या करते हैं, इतनी मजबूत बन जाती हैं कि कोई भी जानवर इन्हें ग्रेज तो करता है लेकिन इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ता. तो ये बच जाती हैं और नेक्स्ट टाइम ग्रो भी करती हैं. ये अडेप्टेशन है प्रेरीज के ग्रास का. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, वी विल राइट. Fourth, trees with needle-like leaves retain less water and shed snow more easily than broad-leaved tree. इसमें कहा गया है डिस्क्रिप्शन नंबर 4 में कि जो पत्तियां होती हैं उन पेड़ों की, जिनकी जो पत्ते होते हैं वो सुई के आकार के होते हैं या बहुत ही पतले और नुकीले होते हैं, जैसे कि कॉनिफेरस ट्रीज में पाए जाते हैं, वो अपने आप में भीतर वाटर को कम रिटेन करते हैं और
वस्तुओं को इजीली सेट कर देते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जो नीडल लाइक जो नीडल की तरह के जो कॉनिफरस ट्रीज के जो पत्ते होते हैं ये वाटर को ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये होते तो पतले पतले हैं लेकिन जो ऊपर का इनका लेयर होता है वो पानी को ज़्यादा बाहर नहीं आने देता, इवेपोरेट नहीं होने देता, इसलिए ये वाटर को ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में उल्टा लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि ये लेस वाटर दे रिटेन लेस वाटर, जबकि ये दे रिटेन मोर वाटर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, वी विल राइट फॉल्स। हियर दिस इज टू नोट दैट हाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज दैट सेज दे सेड स्नो मोर इजली दैन गोड लिव ट्री, इट इज करेक्ट। दे सेड स्नो मोर इजली दैन ब्रॉडली ट्री, पतला पत्ता जो होगा, छोटा पत्ता जो होगा उसमें से बहुत आसानी से सेड हो जाएगी, गिर जाएंगी चौड़े पत्तियों के मुकाबले या कंपेरिजन में। तो हाफ स्टेटमेंट इज ट्रू, हाफ इज फॉल्स, बट वी विल एड फॉल्स फॉर दिस डिस्क्रिप्शन। नाउ फाइव, सम वीक स्टेम प्लांट लाइक द मनी प्लांट डेवलप रूट्स फ्रॉम द नॉर्थ दैट हेल्प देम इन क्लाइमिंग। वो पौधे जिनके जो तने होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स जो हैं उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि अपने आप में खड़े रह पाएँ, तो इनमें होता क्या है, इनमें इनके गांठ से नॉर्थ से एक रूट निकलती है जो इन्हें क्लाइंब करने में हेल्प करती है। ये बताना है आपको कि सही है या गलत है। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, ये जब दीवार पे चढ़ती हैं तो वो एक लता या एक पतला डंठल होता है जो चारों तरफ से घूम करके दीवार को पकड़ लेता है या किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है, उसके बाद वो प्लांट ऊपर की तरफ जाता है। दैट इज स्पेशल रूट्स विच ग्रो ऑन देयर नॉड्स। सो दिस स्टेटमेंट इज also true. This is first part of the this lesson. This is the first part of this lesson. We will meet in second part. Till then, thank you.